जबलपुर में जन्नत का ख्वाब दिखाकर जिन गरीबों को दूसरी जगह बसाया गया उनके लिए आज जिंदगी जहन्नुम जैसी हो गई है। करीब 450 अतिक्रमणकारियों को ऐसी जगह बसा दिया गया जहां जिंदगी बस गुजर रही है। तस्वीर जरा देखिए। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है, हवाएं भी जिस्म जला देने वाली है, न पानी न बिजली। सोचिए बांस बल्ली और त्रिपाल से तने इन तंबुओं में जीवन कैसा होगा। ये तस्वीर है जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर तेवर इलाके की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमणकारियों को विस्थापित कर बसाया गया है, लेकिन इनका हाल बुरा है। ये विस्थापन इनके लिए अभिशाप बना हुआ है, या यूं कहें कि बसाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। तो यहां पर जब से आए हैं बांस बल्ली देने के बाद वो झांकने नहीं आए कि क्या हो रहा है। यहां बच्चों को गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है, जहन्नुम में डाल दिया, इससे अच्छा तो मार ही देते वहीं पर। जैसे कि सरकार ने बोल रखा है 350 रुपये लेबर का रहता है, लेबर पेमेंट में अगर 100 रुपये हम लोग का आना जाना लग जाता है, 50 रुपये समझ लो ऊपरी खर्च है, 200 रुपये में हम लोग जी रहे थे। मतलब यहाँ पर आके हम लोग बहुत बुरी तरीके से जहन्नुम में फंस गए। यही रह गया है कि बच्चों को बिल्कुल पालें कि क्या करें हम लोग। जिंदगी बस गुजर रही है। यहाँ ऐसी भी कहानियाँ हैं जिसमें महिला को विस्थापित कर यहाँ लाया गया, जगह देने के लिए पर्ची दी गई, लेकिन प्लॉट नसीब नहीं हुआ। आलम यह है कि गृहस्थी का सामान बाहर ही रखा है। यहाँ तंबू हो या उसके बाहर, जीवन आसान नहीं है। दिन में लू के थपेड़े हैं तो रात में सांप बिच्छू और सियार का डर। 300 के ऊपर है ना परिवारों को तेवर में विस्थापित किया है। उसमें नगर निगम की ओर से ना अभी कच्चा रोड बना हुआ है एंड स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, पानी की टंकी है ना, बोर्स वगैरह लगी हुई है। अभी नगर निगम को और फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें ना पक्का रोड कॉन्क्रीट रोड का है ना और नाली का है ना निर्माण कराने के लिए, उसको भी नगर निगम उसमें आके कार्रवाई करेगा। MPB को भी ना निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल है ना शिविर लगाया जाए, सो दैट अगले इंडिविजुअल हाउस होल्ड कनेक्शन है वो पूरा ले ले। उन सभी लोगों का नाम भी है ना हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास की ना DPR लिस्ट है उसमें ना ऐड करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सोचिए 15 से 20 मिनट इस धूप में रहने से जब इंसान की तबीयत बिगड़ जाती है तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं किस हाल में होंगी। क्या इसे सपनों का आशियाना कहा जा सकता है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।